नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, बीना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से। आज यहाँ 7 दिसंबर 2022 को SSG पब्लिक स्कूल राया में अपना मेडिकल कैंप करने आया हूँ। और ये मेडिकल कैंप हमारे हेल्थ टू स्कूल मुहिम में एक हमारा अगला पड़ाव है। इस कैंप को कराने के लिए या इस कैंप को अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बहुत ही जिगरी मित्र डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी का, जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट करके इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराया। प्रिंसिपल सर शर्मा जी, ललित जी, विश्वेंद्र जी, मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस कैंप को सफलतम आयोजित करने के लिए हमारा पूरा सहयोग दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको अनुमति दी कि हम यहाँ करके अपना ये कैंप करें। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ हर कैंप के बाद में कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है ये आइडेंटिफाई करना कि हमारे स्कूल में जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, खासकर मथुरा ज़िले के अंदर। चूँकि किसी भी देश की जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंड करती है कि वहाँ के बच्चों की सेहत कैसी है। तो उसी के बारे में हम जानकारी लेने के लिए हर स्कूल में जा रहे हैं। कोशिश ये करें कि मथुरा के हम सारे स्कूलों को कवर कर सकें 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में, साल भर में जितना भी समय लगे, बिना थके हम उसे कवर करें। और इन कैंपों में हम बच्चों का हिस्ट्री टेकिंग, उनके वाइटल मेजरमेंट, उनका क्लिनिकल इवेल्यूएशन, उनका लैब इवेल्यूएशन करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज स्टेटस, HbA1c वगैरह चेक किया जाता है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि बिना टीम के कोई भी मुहिम करना बहुत मुश्किल होता है। और हर स्कूल में हमको इस तरह के छात्र मिल जाते हैं जो हमारी मदद करते हैं उस कैंप को सक्सेसफुली कंक्लूड करने के लिए या सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ SSG पब्लिक स्कूल के इन छात्रों का, जिन्होंने आज बिना थके हमारी मदद की इस कैंप को सक्सेसफुली कंक्लूड करने के लिए। आदर्श चौधरी, मनीष शर्मा, जय शर्मा, ललित सोलंकी, पूजा और खुशबू, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और विश्वेंद्र सर खड़े रहे और ये शायद आगे करके पहले घर में गलती हुई तो आगे करके पहले इनका देख के लगा मेरे को। और प्रिंसिपल सर के छोटे भाई शर्मा जी, ललित जी, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जैसे हर बार की तरह इस बार फिर से कहता हूँ कि कोई भी मुहिम पूरी नहीं हो सकती जब तक कि अपने जैसे अपने लोगों का साथ ना हो। वो लोग जो आप पर भरोसा करते हैं, वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो लोग जो आप पर विश्वास करते हैं। हर मुहिम के लिए तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता होती है। और जब अपनों का सपोर्ट मिलता है तो हम ड्रेन नहीं होते हैं और हमारी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती है और हम अपने मुकाम पर और ज़्यादा मुस्तैदी से पहुँचते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार फिर और हर बार इनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा। कुछ नाम मैं फिर से लेना चाहता हूँ, जैसे मेरे मित्र दीपक नागपाल, मेरा मित्र गजेंद्र चतुर्वेदी, मेरा मित्र मनीष चतुर्वेदी, मेरा मित्र विक्रम, मेरा मित्र और ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, मेरे मित्र प्रदीप जी, मेरे मित्र अब कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मैं हर बार सबके नाम लेता हूँ तो कुछ नाम हमेशा मुझसे मिस होते हैं, अगर कुछ नाम मिस हो जाए तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 7 दिसंबर मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है। तो आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन पर मैं ये कैंप कर रहा हूँ। इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है कि उनके जन्मदिन पर कुछ अच्छा काम कर पा रहा हूँ। लेकिन जो आज का ये कैंप है वो समर्पित करना चाहता हूँ मैं मेरे मित्र प्रदीप चतुर्वेदी की माता जी कुसुम चतुर्वेदी जी के लिए। प्रदीप जी मेरे बहुत बहुत जिगरी मित्र हैं, वो हमेशा से हमारी स्कूल में हमारे साथ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं हम उनको रिटर्न में कुछ दे सकें। तो आज का कैंप जो है वो समर्पित है प्रदीप जी की माँ कुसुम चतुर्वेदी जी के लिए। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि हमारी ये मुहिम ऐसे ही चलती रहे और हम जल्दी ऐसे कुछ कंक्लूजन पर पहुँचे जहाँ हमें मालूम पड़े कि हमारे स्कूल के बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या
क्या है और उसके लिए फिर आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ उचित कदम उठा सकें। इसके साथ ही मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, अनिला फाउंडेशन, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।